वेलकम दोस्तों, कैसे हो भाई साहब। आज बताएंगे Realme X7 Max 5G के बारे में, पूरा जानकारी देंगे। कोई भी चीज भाई साहब हवा में बात नहीं होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है Realme X7 Max 5G के बारे में, या आपको जानकारी चाहिए, पूरा जानकारी इसमें मिल जाएगा दोस्तों। तो उससे पहले आपको एक बात बता दूं, ये स्मार्टफोन भाई साहब फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। इस बजट रेंज में बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन हो सकता है। और भाई साहब हर कुछ इस स्मार्टफोन में स्पेशल है। तीन चार चीज ऐसा मिलेगा कोई भी स्मार्टफोन में आसानी से नहीं मिलता। पूरा जानकारी देंगे, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो चैनल पर अगर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं भाई साहब, इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर होने वाला है दोस्तों, धासु होने वाला है। मतलब Realme पहली बार इंडिया में मीडियाटेक डायमंड 5G प्रोसेसर लेके आ रहा है भाई साहब। इतना बढ़िया प्रोसेसर है इस स्मार्टफोन में दोस्तों, गेमिंग के लिए भाई बनाया गया है स्पेशली। और भाई साहब डायमंड सिटी 1200 जो प्रोसेसर भाई साहब, गेमिंग के लिए भाई धासु है। आप गेम खेलो 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा भाई जितना भी खेलो, इस स्मार्टफोन में आसानी से गर्मी नहीं होगा और प्रॉब्लम भी आसानी से नहीं होगा। इस प्रोसेसर का खासियत यही बात है। अगर आप सोच रहे हो दोस्तों इस स्मार्टफोन 6 महीना साल भर के लिए, इस स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है भाई साहब, सोच रहे भाई साहब 2-3 साल इस्तेमाल करेंगे, तो इस स्मार्टफोन आप खरीद सकते हो। 5G स्मार्टफोन है भाई, बढ़िया है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस स्मार्टफोन में दोस्तों डिस्प्ले की बात करते हैं, बहुत बड़ा डिस्प्ले देके रखा है। 6.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाता है, ठीक है, 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। तो वेट की बात करें, अगर भाई साहब बहुत ही लाइट वेट है, 179 ग्राम से इसका वेट है, बहुत ही लाइट वेट है दोस्तों। और दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह, 3.5mm जैक्स वगैरह इसमें आपको मिल जाता है। और अब जो खासियत बात आई है दोस्तों, इसमें कैमरा 64MP का मेन कैमरा, 8MP का वाइड एंगल, 2MP का तो माइक्रो मिल जाता है। आप सोच रहे हो भाई साहब वही तो नॉर्मल है भाई साहब, नहीं भाई साहब, इसमें आपको मिलता है सोनी का तीनों के तीनों कैमरा दोस्तों, सोनी का मिल जाता है। और सोनी का कैमरा के लेवल भाई साहब अलग ही होता है, हमेशा के लिए भाई साहब अलग ही होता है। और दोस्तों फ्रंट की बात करते हैं, 16MP का आपको फ्रंट कैमरा इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है। अगर आप सोच रहे हो भाई साहब गेमिंग स्मार्टफोन है तो इसका बैटरी भाई साहब बढ़िया होना चाहिए, वो भी देखे रखा है। 4500mAh का बैटरी दोस्तों, 50W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। 50W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का एक हैसियत है, इसमें आपको 16 मिनट्स में 50% चार्ज करके दे देगा। 16 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स में आपको लगभग 100% के आसपास आपको करके दे देगा, मतलब बहुत ही बढ़िया। अगर आप गेम खेलो हो गए चार्ज नहीं है भाई, 15-16 मिनट लगा लो, 50% चार्ज होगा फिर लगा, ठीक है, मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ा स्मार्टफोन में। हमको तो बहुत ही अच्छा लगा Realme X7 Max 5G के साथ साथ और एक चीज लॉन्च हो रहा है दोस्तों, Realme Smart TV दोस्तों। इसमें आपको मिल जाता है वही गूगल असिस्टेंट्स वगैरह, इसमें मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन दोनों चीज दोस्तों। 31 मई को 12:30 पे लॉन्च होगा इसका ऑफिशियल चैनल पे, ठीक है, बहुत सारा कुछ देके रखा है। अगर हम बात करें Realme X7 Max 5G के बारे में, इसमें दोस्तों कितना वेरिएंट में मिल जाता है, दो वेरिएंट में आपको मिल जाता है दोस्तों, 8GB 128GB एंड 12GB 256GB स्टोरेज में आपको मिल जाता है। प्राइस की बात करें भाई साहब, 8GB 128GB स्टोरेज में आपको मिल जाता है 28,000 ओनली भाई। मीडियाटेक डायमंडसिटी 1200 देके रखा है भाई साहब, सोनी का तीनों के तीनों कैमरा देके रखा है, बहुत ही बढ़िया काम किया स्मार्टफोन में। तो दोस्तों 8000 तो भाई बनता है, बट इसमें थोड़ा बहुत और कम कर तो भाई अच्छा होता। अगर सेकंड वेरिएंट की बात करें दोस्तों, 12GB 256GB स्टोरेज में आपको मिल जाता है 31,000, ठीक है। इंडिया में दोस्तों 31 मई को लॉन्च हो, पूरा जानकारी दोस्तों आपको दे दिए, कौन सा चीज आपको अच्छा लगा। और हाँ, इसमें दोस्तों जो आपको बताए थे Realme Smart TV के बारे में, आपको क्या रिएक्शन है, क्या सोचते हो कि आप खरीदना चाहते हो या नहीं, जरूर बताइए। Realme X7 Max 5G के बारे में आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस अगर स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं या कोई भी डाउट है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर आपका कमेंट का आंसर दिया जाएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।